नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, क्लास 11th हिंदी आरओ से आज हम ये कविता पढ़ने जा रहे हैं जो लिखी है अक महादेवी ने। हे भूख मत मचल। चलिए शुरू करते हैं। इनका परिचय थोड़ा सा मैं बता दूं। इनका जन्म कर्नाटक में उडुत्री गांव जिला शिवमोगा में 12वीं सदी में हुआ और इनके जो आराध्य देव थे वो चन्मल्लिकार्जुन अर्थात शिव थे। इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि बसवन्ना और अल्लामा प्रभु थे। कन्नड़ भाषा में अक शब्द का अर्थ है बहन। अक महादेवी अपूर्व सुंदरी थी। वहाँ का राजा इनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया था और इनके साथ विवाह करने की इच्छा रखी, लेकिन जो अक महादेवी थी इसने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी तो राजा ने मान ली और विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया तो इसलिए महादेवी ने उसी क्षण राज परिवार को छोड़ दिया और अक ने इसके बाद जो किया वह भारतीय नारी के इतिहास की एक विलक्षण घटना बन गई। इससे उनके विद्रोही चरित्र का पता चलता है। अक ने सिर्फ राजमहल ही नहीं छोड़ा, वहाँ से निकलते समय पुरुष वर्चस्व के विरुद्ध अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में अपने वस्त्रों को भी उतार फेंका। हालांकि वस्त्रों को उतारना मतलब स्त्रियों की मर्यादाओं के खिलाफ था, लेकिन उसने बताया कि स्त्री केवल शरीर नहीं है, इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। इस दृष्टि से देखें तो मीरा की पंक्ति तन की आस कबू नहीं कीनी जो रणमाही सूरो अक पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। तो अक मतलब एक तरह से विद्रोही रूप इसने धारण कर लिया और पुरुष समाज के खिलाफ खड़ी रही और स्त्रियों के लिए आंदोलन के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। तो इनकी रचनाओं में भी वो ही आक्रोश दिखाई देता है। पाठ का सारांश क्या है? इनके 2 वचन पाठ्यक्रम में लिए गए हैं। दोनों वचनों का अंग्रेजी में अनुवाद केदारनाथ जी ने किया है। प्रथम वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया है और दूसरे में इंद्रियों को वश में करने में शिव की प्राप्ति संभव है। दूसरा वचन वह एक भक्त का ईश्वर के प्रति समर्पण है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कहती हैं अक महादेवी? हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढील। तो यहाँ पे महादेवी इंद्रियों से आग्रह करती है। तो वो भूख से क्या कहती है कि तुम मचल कर मुझे मत सता। फिर प्यास को कहती है कि मतलब कुछ भी पाने की इच्छा होती है ना, प्यास होती है, प्यास से यहाँ पानी पीने की प्यास नहीं, मतलब कुछ भी पाने की इच्छा होती है तो उसको वो है प्यास कहती है। और भूख मतलब हर चीज़ की इच्छा रखना कि मुझे ये भी चाहिए, धन चाहिए, वो चाहिए, तो ये भूख होती है जिसमें शारीरिक भूख हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है। तो इस तरह से वो बोलती है कि मनुष्य को जो प्यास होती है, भूख होती है, वो सांसारिक सुख सुविधाओं को पाने की होती है। तो वो कहती है अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए ये आह्वान करती है, विनती करती है कि हे भूख तू मचल कर मुझे मत सता। सांसारिक प्यास को कहती है कि तू मन में और पाने की इच्छा मत जगा। नींद को क्या कहती है? हे नींद मत सता, मतलब तू मानव को सताना छोड़ दे, क्योंकि नींद से ना आलस्य आता है मनुष्य को और इस कारण से वह प्रभु भक्ति को भूल जाता है। और फिर कहती है क्रोध को कि तू उथल पुथल मत मचा, क्योंकि तेरे कारण मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, क्योंकि इंसान को जब क्रोध आता है ना तो वह अच्छा बुरा सब भूल जाता है, उसको नहीं पता रहता कि क्या सही है क्या गलत है। मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा। तो वह कहती है कि मोह को क्या कहती है कि वह अपने बंधन ढीले कर दे, तेरे कारण मनुष्य दूसरे का अहित करने की सोचता है। और हे लोग तू मानव को ललचाना छोड़ दे, मोह के कारण ही तो मनुष्य लालची बनता है ना। तो वह बोलती है कि लोग तू मानव को ललचाना छोड़ दे। और मद मतलब घमंड अहंकार, तो
मत कर मदहोश, तो हे अहंकार तू मनुष्य को अधिक पागल मत बना। फिर ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब किसी को, किसी से जलना, तो कहती है कि ईर्ष्या मनुष्य को जलाना छोड़ दे। ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चंद मल्लिकार्जुन का। तो चंद मल्लिकार्जुन कौन, शिव को संबोधित कर रही है वो। तो कहती हैं कि विसृष्टि के जड़ चेतन जगत को संबोधित करते हुए कि तुम्हारे पास शिव भक्ति का जो अवसर है इससे चूकना मत, क्योंकि मैं शिव का संदेश लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। चराचर को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। चराचर मतलब जो जमीन पर जितने भी जीव हैं उनको कहती है कि यह अवसर मत चूको, मैं शिव का ये संदेश लेकर आई हूँ। तो ये सब चीज़ें छोड़ दो, भूख प्यास नींद क्रोध मद लोभ लालच ये सब छोड़ दो, ईर्ष्या, इसके कारण ही मनुष्य ईश्वर को नहीं पा सकता है। बच्चों शायद ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही आसान शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया है, और वैसे भी ये आसान सी छोटी सी कविता थी। अगर समझ में आ गई है तो फिर वीडियो को लाइक करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।